अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाएंगे मटन की रान। ये मैंने एक रान ली है, तो मैं सबसे पहले कट लगा दूंगी। ये देखिए जी, ऐसे मैंने कट लगा दिए हैं बड़े बड़े, और जो आगे का हिस्सा होता है रान की, जो आगे का हिस्सा होता है वो मैंने कटवा दिया था। ये देखिए जी, ये मैंने यहाँ इसमें रख दिए ट्रे में, और यहाँ मैंने व्हाइट विनेगर लिया है, ये हाफ कप होगा। इसमें मैं डालूंगी सॉल्ट। वन एंड हाफ टेबल स्पून इसको मैं आधे घंटे के लिए छोड़ूंगी। आधे घंटे के बाद फिर हम इसमें दूसरे मसाले लगाएंगे। इस तरह ये ड्राई नहीं होगा और उसका सारा जो विनेगर है और नमक गोश्त के अंदर तक जाएगा। देखिए जी, यहाँ मैंने दही लिया है आधा कप गाढ़ा वाला, और एक अंडा जाएगा इसमें। ये जीरा भुना और कुटा, और जीरे के साथ ही मैंने काली मिर्चें साबित तवे पे भून लिया था। भूनने के बाद दोनों चीज़ों को मैंने कूट लिया है, मोटा मोटा। ये गरम मसाला जाएगा हाफ टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, और रेगुलर तेज़ वाली लाल मिर्ची पाउडर ये मैंने 2 टेबल स्पून लिए, और 2 से 3 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया है। जर्दे गरम जाएगा, एक चुटकी डालूंगी बिल्कुल थोड़ा सा। ऑलिव ऑयल डालूंगी 1 से 2 टेबल स्पून, और ये पपीता है, पपीते के साथ ही मैंने अदरक लहसुन भी पीस लिया था, तो 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन और 4 से 5 टेबल स्पून पपीता ही है, पपीते का पेस्ट। और आधा कप दही लिया मैंने, तो दही में हम अंडा डालेंगे। थोड़ा सा जर्दे का रंग डालेंगे। डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक हम इस पे लगा चुके हैं, और मैंने 1 1/2 टेबल स्पून डाला था, और मैं बिल्कुल थोड़ा सा इसमें डालूंगी। आप लोग अपनी मर्जी से डालिएगा नमक। ये देखिए जी, यहाँ मैंने रान रखी है। लगा के इसको हम मसल लेंगे। अब मैं इसको यहाँ से इस
देखिए जी, मैंने इसको सब तरफ से पैक कर दिया, सब तरफ से मैंने अच्छे से पैक कर दिया इसको। और इसको मैं रखूँगी, अभी मैं फ्रिज में रखूँगी 4 से 5 घंटे, 4 से 5 घंटे मैं फ्रिज में रख दूँगी। फिर उसके बाद देखिए जी, इसको मैंने 5 घंटे फ्रिज में रख, अब मैं इसे ऐसे ही उठा के ओवन में डाल दूँगी। ओवन मेरा प्री हीट है 350 पे, 40 से 50 मिनट में ऐसे ही पकाऊंगी पहले, और फिर उसके बाद ये निकाल देंगे हम और फिर खोल के पकाएंगे। तो अभी मैं इसको ऐसे ही ओवन में डाल ली हूँ, 350 पे ओवन मेरा प्री हीट है। 10 मिनट पहले मैंने इसे खोल लिया था। देखिए जी, मैंने इसको 40 मिनट मैंने इसको ओवन में रखा था। हमें इसको मसाला उठा के ऊपर डाल देंगे इसका। ये मैंने मसाला साइडों से निकाल के इसके ऊपर लगा दिया। मैं इसको फिर ओवन में रखूंगी, आधे घंटे के बाद निकालूंगी, फिर मैं इसे पलट पलट के फिर ओवन में डालूंगी, फिर आधा घंटा पकाऊंगी। ये देखिए जी, मैंने इसको 40 मिनट के बाद निकाला है ओवन से, मैं इसको पलट के फिर ओवन में रखूंगी। इसे मैं ओवन में रखूंगी और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। ये देखिए जी, हमने निकाल लिया इसे, और इसे पूरे 2 घंटे लगे, तो मैं अब इसे ट्रे में निकाल लूंगी। ये देखिए जी, करीब से देखें, और ये गल गई है, बहुत मजे की है, और इसको पूरे 2 घंटे लगे। तो आप भी बनाएगा इसी स्टाइल में और बताएगा कि कैसा लगा। मेरा फेसबुक पेज भी है, उसे भी ज्वाइन कीजिएगा, कुकिंग विद सैर सैयद, और वेबसाइट भी है, उसे भी देखिएगा, कुकिंग विद सैर सैयद .com। और कमेंट ज़रूर दीजिएगा अच्छा लगे तो। और अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।